शिवलिंग नहीं होना चाहिए, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो समझ लेना कि वो आपको केवल पागल बना रहा है, वो आपको केवल मूर्ख बना रहा है। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपनी गादी पर बैठकर बोल दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, या शंकर का शिवलिंग अपने घरों में मत रखो, अगर कोई विद्वान से विद्वान भी कह दे तो समझ लेना कि वो मूर्ख बना रहा है, वो पागल बना रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में सब कुछ लिखो, सब कुछ। और आपको सियोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं करना है, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर आपके पास में है, कुशीनगर से गोरखपुर 35-40 किलोमीटर दूर होगा, और 35-40 किलोमीटर दूर अगर गोरखपुर है तो गोरखपुर अगर 35-40 किलोमीटर है तो वहां पर जाकर गीता प्रेस गोरखपुर में, गीता प्रेस गोरखपुर की में जाइए और गीता प्रेस में जाकर आप वहां से शिव पुराण खरीद के लाओ और उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो और उसमें निकालो कि सियोर वाला महाराज जो जो चीज बोलता है वो पुराण के अंतर्गत है कि नहीं। हमें जल पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, हमें बेलपत्र खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हमें प्रसाद लेना चाहिए नहीं लेना। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान का एक शिवलिंग घर में है दूसरा मत रखो, इसको ले जाके कहीं रख दो, तो भी हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं करा, एक हो दो हो तीन हो, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में दादी के हाथ का है पुराना शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में दो शिवलिंग रखे हैं, तुम्हारे घर में तीन शिवलिंग रखे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर, आप कितने रख रहे हैं और कितना पूज रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। कोई तुमसे कहे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना, समझ लेना वो मूर्ख बना रहा है, घर में शिवलिंग होना चाहिए। जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता वहां का जल भोजन अग्नि शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्धता का भाव नहीं दे पाता,